सो हे गाइस, तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे यार। आज वो बाइक दिखाने हम आपको जिसकी काफ़ी डिमांड करी थी आप लोगों ने। आपने कहा था कि गन मेटल दिखाओ, गन मेटल दिखाओ। आज मैं आपको गन मेटल दिखाने आया हूँ। बाइक की सारी डिटेल बताऊँगा, प्राइस बताऊँगा, फाइनेंस की डिटेल बताऊँगा, जैसे आपने मेरी पहली वाली वीडियोज़ देखी हैं। और उम्मीद करता हूँ हम लोगों की वाली वीडियो भी पसंद आएगी। पहली वाली वीडियो पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया आप लोगों ने। उम्मीद करता हूँ इस वाली वीडियो पर भी आप लोग प्यार दिखाएंगे यार। पूरी वीडियो देखना एंड तक, सारी चीज़ें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी लोग होते हैं पूरी वीडियो नहीं देखते, फिर वही कमेंट्स में क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखा करो यार प्लीज़, और पूरी वीडियो देखना वाली भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट नहीं रहेगा वीडियो के एंड तक। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर मिल जाएगा शोरूम का, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट करके सारी बात कर सकते हैं, जो भी डाउट हो आपके मन में या कुछ भी सवाल जवाब रह रहा हो आपका। तो अगर कोई चीज़ वीडियो में बतानी रहेगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ मेरी वाली वीडियो लोगों को पसंद आएगी। इसी के साथ ही सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, और लाइक कर देना इस वीडियो को यार। लाइक करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलती है और काम करने की। अगर वीडियो पसंद आए जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। चलिए दिखाता हूँ आपको, इसी के साथ वीडियो शुरू करता हूँ और बाइक दिखाता हूँ आपको। बढ़िया, आप सुनाओ। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हेमंत है और अभी हम हैं सोनी ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो आज दोस्तों ये वाली बाइक कवर करेंगे। आपकी बहुत डिमांड आई थी इस बाइक को लेके। ये है क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे VS6 मॉडल बाइक है। तो सर हमें इसकी थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन बताएंगे और चेंजेस बताएंगे, VS4 से VS6 में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सर बताइए पहले बाइक के बारे में, कहाँ से शुरू कर रहे हैं? आगे से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डुअल डिस्क डुअल चैनल टीवीएस के साथ ये अपना व्हीकल आया है। ये 6 में गन मेटल ग्रे सभी लोग पसंद करते हैं, बहुत बहुचर्चित मॉडल है ये, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। डिमांड बहुत आई थी क्योंकि पहला मॉडल आया था रॉयल एनफील्ड का जो डुअल डिस्क में आया था। मैंने कंपेटिटिव अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स के साथ आता है। 19 इंच का फ्रंट व्हील है, जो व्हील साइज है इसका आगे 19 है पीछे 18। डुअल डिस्क और डुअल चैनल ABS जो प्राइसिंग रखी है उसी प्राइसिंग के अंदर आपको कंपनी से ही मिल रहा है। देन हम इसके अंदर आते हैं थोड़ा सा इधर की तरफ, तो आप देखोगे कैटलिक कन्वर्टर लगाया है जो कि आपके फ्यूल पोल्यूशन को कम रखेगा। VS6 मॉडल में आपको देखने को मिलेगा कैटलिक कन्वर्टर मिलेगा। सबसे बड़ा जो चेंज इसमें हुआ है, अब ये FI इंजन के साथ फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ कार्बोरेटर आता था VS4 पे, अब आता है VS6 EFI के साथ। ठीक है, तो हम आ जाए सेम अपना सीट हाइट वही है, क्रोम फिनिश के साथ, ब्लैक पीछे भी जो है वो डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले और ABS पिछले ब्रेक में भी है, आगे भी डुअल चैनल ABS के साथ। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसके क्लस्टर की, क्लस्टर में पहले आप देखते थे जब तक ABS नहीं आया था VS6 4 में, तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ABS का साइन दिख रहा है, मुझे इग्निशन ऑन करता है ABS का साइन दिख रहा है, यहाँ पे RE का साइन, तब यहाँ पे ABS का साइन आता है। ये मैल फंक्शन सिग्नल है क्योंकि इसके अंदर को सेंसर भी बढ़ा दिए हैं। फ्यूल इंडिकेशन अगर में होंगे तो ये पॉज होगा, फ्यूल अप है तो ये बंद रहेगी, ये वाली रहेगी। साइड स्टेप सेंसर इसमें लगा दिया है, एक सेफ्टी फीचर सबसे बढ़िया दो इसमें डाल दिया है, पहले दो सेंसर डाले हैं, रोल ओवर सेंसर और साइड स्टैंड का सेंसर। साइड स्टैंड लगा है तो गाड़ी गियर में बंद हो जाएगी, स्टार्ट ही नहीं। अगर उसका हम डेमो देखें तो चौक के साथ है, इसमें चौक नहीं है, ऑटो चौक के साथ है,
गियर डाल दें। गाड़ी बंद हो जाएगी, स्टार्ट नहीं होगी, सेल्फ नहीं लेगी। सेल्फ जैसे कि आप देख सकते हैं सेल्फ नहीं ले रही है भाई। ये फीचर होता है इसका साइड स्टैंड का जो रॉयल एनफील्ड में नया आया है। न्यूट्रल करते ही ये सेल्फ ले लेगी। बंद, ठीक है। दूसरा रोल ओवर सेंसर है, 60 डिग्री से ज़्यादा अगर गाड़ी झुक गई ठीक है तो इंजन कट ऑफ हो जाए। ओके, ये भी एक सेफ्टी फीचर है कि अगर कभी इन केस इंपैक्ट के टाइम पे या गाड़ी गिर जाए okay. तो ये चलती नहीं रहेगी, इंजन क्लोज हो जाएगा, इंजन कट ऑफ कर जाता है। ठीक है, एक ये फीचर है। बाकी बैटरी सेम वही है, नॉन मेंटेनेंस बैटरी है, ड्राई बैटरी आ रही है रॉयल एनफील्ड की 12 वोल्ट। इधर से आपको उसका डिस्प्ले का साइज दिख जाएगा, ड्राइवी के ब्रेक्स आ रहे हैं इसमें आपको डुअल डिस्क, दोनों साइड आपने देखिए ABS की प्लेट वायरिंग। सर BS4 में कहते हैं कि जो हॉर्न्स आते थे वो डुअल हॉर्न आते थे, BS6 में हॉर्न सिंगल कर दिया है। BS3 तक डुअल हॉर्न्स थे, BS4 में भी स्टार्टिंग में डुअल आ रहे थे, फिर बीच में सिंगल कर दिए थे। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन को लेके गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स आए कि ज़्यादा हॉर्न तेज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इंडिकेशन के हिसाब से सिंगल हॉर्न साउंड देता है। ठीक है, इसका वैसे भी हॉर्न जो होता है वो काफ़ी लाउड होता है, वैसे भी काफ़ी बड़ा हॉर्न है, TRL अच्छा है इसका आता है। सर अगर हम इसमें एसेसरीज के तौर पे कुछ लगवाना चाहें तो हम क्या क्या लगवा सकते हैं इस बाइक में? देखिए अभी जैसे कि आपके सामने जो मॉडल है इसके अंदर एक इंजन गार्ड लगा हुआ है। ठीक है, एयर फ्लाइट इंजन गार्ड इसमें लगा हुआ है, 5 kg वेट का इंजन गार्ड है। अब सबसे बड़ी बात रॉयल एनफील्ड की मैन्युफैक्चरिंग है, रॉयल एनफील्ड का है, 2 साल की वारंटी के साथ BS6 मॉडल, यस, क्योंकि कंपनी ने उसके हिसाब से ही बनाए हैं। ठीक है, उसकी डिज़ाइन चेसी को डिज़ाइन करते हुए इसके हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल कैटलिक कन्वर्टर में ना आए, O2 सेंसर में ना आए। मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों कैटलिक कन्वर्टर से भी दूर है काफ़ी, आप इसे भी देख सकते हैं। कैटलिक कन्वर्टर से दूर है, O2 सेंसर से दूर है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा गैप है कि इनकेस अगर कोई इम्पैक्ट हुआ तो ये सेंसर टूटेगा नहीं। आप देख सकते हैं बाकी हर एक स्टेट टू स्टेट वाइज ऑन रोड क्रॉस वेरी करेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए आपने बाइक, अब बात करते हैं इसकी फाइनेंस की, इसी के साथ आपको दिखा दूँ मैं फाइनेंस की इसकी फैसिलिटीज़ वगैरह क्या क्या होती है। तो भैया हमें डाउन पेमेंट का बताइए, अगर हम इसकी डाउन पेमेंट वगैरह करें, और सबसे उससे पहले बताने से पहले डाउन पेमेंट बताने से पहले आप हमें इसके डॉक्यूमेंट्स बताइए, अगर हम इस बाइक को फाइनेंस कराना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे? नॉर्मल बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक आधार कार्ड पैन कार्ड होते हैं, चेक ची होते हैं, पासबुक और फोटो, और इलेक्ट्रिसिटी बिल हो तो अच्छा है, फंडिंग ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर रेंटेड होता है तो थोड़ी फंडिंग में डाउन होता है, बाकी अदरवाइज हो जाता है लोन ऐसी। तो यही डॉक्यूमेंट जो आपने बताया ये सब नॉर्मल फाइनेंस हो जाएगी? हाँ जी, आराम से हो जाएगी। ठीक है, इसके डाउन पेमेंट वगैरह बता दीजिए हमें, डाउन पेमेंट वगैरह। सर डाउन पेमेंट तो देखिए, अगर मिनिमम डाउन पेमेंट हम देखें बेसिकली तो 20,000 तक हम कर सकते हैं फाइनेंस, मिनिमम। और जो टेनर की बात है कि कितने साल तक EMI पे हो सकती है, IDFC फर्स्ट बैंक में अगर कस्टमर ओन्ड हाउस है तो वो 5 साल तक EMI उसकी हो जाती है, यानी 60 मंथ तक का लोन हो जाता है उसका। ठीक है, और अगर रेंटेड है तो सर 3 साल तक होगा। 3 साल का होगा। ठीक, अब हमें इसकी डाउन पेमेंट वगैरह बता दीजिए, सपोज अगर मैं 20,000 जैसे डाउन पेमेंट करता हूँ तो हमें कितनी EMI जाएंगी? गन मेटल बाइक पे आपको 20,700 रुपये डाउन पेमेंट आ जाएगी मिनिमम। ठीक है, और EMI आपके अगर आप 1 ईयर के लिए कराते तो 17,981 रुपये आ जाएगी, और अगर आप 5 साल के लिए कराते तो 4,981 रुपये आपकी EMI आ जाएगी 5 साल की। 5 साल की, हाँ जी, 5 साल तक फंडिंग कर सकता है IDFC बैंक आराम से। ठीक, तो ये देखिए अपने आज की वीडियो, आई होप इस वाली वीडियो में आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ गई होगी, जैसे मैंने बोला था सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई सवाल रह रहा है तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय गाइस।